हमारी वीडियोस देखने के लिए सर्च कीजिए द सोशल ट्रिगर, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द सोशल ट्रिगर कम एंड व्लॉग्स। तो आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अ वेरी बिजी स्केड्यूल मैंने सोचा क्यों ना एडवेंचर कम पिलग्रिमेज प्लान की जाए। तो आज हम चलेंगे वैष्णो देवी। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको अपने साथ ले जाने की। तो चलिए अभी मैं जाता हूँ तैयार होने। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था मैं तैयार हो चुका हूँ, जैसे मैं जा रहा था तैयार होने, अब मैं तैयार हो चुका हूँ और मुझे थोड़ी काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद हम लोग जो है ट्रैवल करने जा रहे हैं, हम पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं वैष्णो देवी। हेलो, हाय, हेलो मम्मा, हेलो, जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ तैयार होके और हम यहाँ पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। ये रहे पापा। हेलो, हेलो, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? चलो बुलावा आया है, बरसाने बुलाया है। अरे वाह, कितना टाइम आया है, बरसाने बुलाया है। चलो माता दी, कैसा लग रहा है आपको? अति सुंदर। Underground Stars by Lockspeeds. Hi friends, good morning, a very good morning. ये हम कटरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सुबह सुबह हमने लाइन थी लेकिन हमने पर्ची ये इसलिए ये RFID ले लिया है और अभी हम जाएंगे दर्शन शुरू करेंगे, अभी हम चढ़ाई शुरू करेंगे। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के 6:11 हो रहे हैं। पहली बार मैं 5 उठा था आज तो चलिए देखते हैं कैसा होता है, आपको ले चलते हैं साथ में। जय माता दी। A magical journey. A magical journey. Pixel Pig by D. जवानी है, पैसे भी जानती हूँ। और भैया नाम ये सब था पास्टर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बाण गंगा ऊपर जा रहे हैं। ये भैया अब देख हमारे भी जान। चलो जय माता दी। अभी हम चढ़ाई करेंगे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वॉच में एक्सरसाइज को ऑन कर देता हूँ ऑप्शन, अभी क्योंकि थोड़ा पता चल जाएगा कि वॉक कब तक करेंगे। है ये मम्मा यहाँ पर जा रही है। मम्मा हेलो, हेलो, A Magical Journey Through Space by Len L. Cassio. चलिए भैया से बात करते हैं जो हमारा सामान लेके जा रहे हैं हमारे साथ। और भैया कैसे हैं आप? ठीक।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। थोड़ा ज़्यादा है, मैं आ गया था। हाँ बताओ, कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं जम्मू में। जम्मू में? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग तक आ जाते हैं इधर? लोग कितने आ जाते हैं इधर? रश कितना? मैं रश तो बहुत रहता है, आज कल में अस्सी जाता है। अच्छा, अप्रैल के बाद 4 लाख। अभी कितना चलना है हमें, कितने किलोमीटर चलना है? 11 किलोमीटर, 11.5। एक्सरसाइज हो जाती होगी आपकी? एक्सरसाइज अच्छी हो जाती होगी? कितने चक्कर ऊपर से नीचे तक काट लेते हैं आप? दो। बट ये टोटल 11.5 किलोमीटर है नीचे से। अच्छा, टोटल 12 है। मम्मा तो आगे चली गई, पापा भी पीछे निकल गए, मैं हूँ यहाँ। आई एम बैक दोस्तों। क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर ऐसे घोड़े, 40,000 घोड़े हैं यहाँ पर। और ऐसा मुझे भैया ने बताया, तो मैं सोचा आपको बता दूँ, आपको भी नॉलेज बढ़े साथ साथ में। सच बोल तो मेरे अभी से सांस फूल रही है। अभी हमने रिफ्रेशमेंट ली, मम्मा पापा आगे चले गए, अभी हम भैया के साथ निकलेंगे आगे। चले भैया, मम्मा हेलो हेलो हेलो, जय माता दी। हैं, मैं चलता हूँ। चढ़ाई थोड़ी स्टीप हो गई है और मेरे बच्चे चल कर रहा है। कुछ खाएंगे भी आगे, अभी चाय पी थी, खाया नहीं। एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, काफी सुंदर है दोस्तों। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी 3 किलोमीटर और चलना है हमें। यहाँ पे एक बोर्ड देखा मैंने, हल्का अर्थक्वारी आफ्टर 3 किलोमीटर्स, सो 3 किलोमीटर्स मोर टू गो। हाय फ्रेंड्स, यहाँ धूप निकल आ चुकी है और हम अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं, और मैं कम से कम कितने किलोमीटर, शायद 4 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ अभी। अभी थोड़ा 1 किलोमीटर और बाकी है और आ जाएगा डेस्टिनेशन। वहाँ से फिर हम बैटरी कार पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ ढोल वाले भी हैं आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है दोस्तों। बट यहाँ पे ठू घोड़े वाले तो कह रहे हैं अभी 30-40 हज़ार लोग ही है सिर्फ। ये 4 लाख तक लोग यहाँ पर अप्रैल में आते हैं डेली। तो अभी तो मुझे तो यही तरह ज़्यादा लग रहा है, सोचो 4 लाख ही आते हैं डेली। ओह हाय फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ बैटरी कार अर्थक्वारी के पास पहुँच गया हूँ। मेरे पीछे बैटरी कार्स हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पापा अभी भी 1 घंटा लगेगा, उनको बहुत पीछे हैं, तो उनको चलते हैं। बच्चे आ गए मेरे, बाद में ऊपर करेंगे खाने पीने।
का है, तो अभी मैं फटाफट कुछ खाता हूँ फिर उसके बाद करता हूँ आपसे बात। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मा पापा भी यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर गर्म बैटरी कार के अपना कार का वेट कर रहे हैं। हेलो, हाय, हम कहेगा मम्मा थक गए, यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपने अपने कार। हाँ मैं जा, हाँ ऐसी किसी बैटरी कार में हमारे गई है मम्मा पापा। मैं पैदल जा रहा हूँ, अरे कुछ ऐसा है, स्टीप तो नहीं है, प्लेन चढ़ाई है ये, तो देखते हैं कैसा होता है। ये कुछ बैटरी कार छोड़ के भी आ रही है लोगों को, और अभी 7 किलोमीटर का रास्ता है और मैं अभी 0.4 किलोमीटर ही चला हूँ, तो अभी थोड़ा और रास्ता कवर करना है पैदल। यहाँ पे लंगर भी था रास्ते में, बट उसके लिए 4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता, उन्होंने नया रास्ता बनाया जहाँ पर फ्री लंगर है शायद, बट वो मैंने लिया नहीं क्योंकि 4.2 किलोमीटर ऑपोजिट जाना पड़ता, तो 4.2 नीचे फिर उसके बाद मैं वापस आता, दैट मेक्स नो सेंस। जो स्ट्रीट पर चढ़ते हुए तब मुझे पता चल रहा था कि ये वैसे मेरे का ट्रैक मुश्किल जो है, ये तो फिर भी ऑर्गेनाइज हो गया है मेरे फ्रेंड्स, ये तो फिर भी स्टीप सही हो गया है। मेरे पेरेंट्स जब आया करते थे तो बताते थे कि कैसे ये रास्ता बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हुआ करता था, लेकिन इतना डेवलप हो गया है तब तो बिल्कुल भी नहीं था। आप देख सकते हैं अच्छे से A Magical Journey Through Space by Len L. Cassio. Pixel Pig by D. Young. हाय भगवान दोस्तों, शायद जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पत्थर गिर गए और यहाँ पर इन लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, देखिए पीछे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, और दूसरा रास्ता यहाँ बहुत ज़्यादा दूर है, हमें वापस शायद जाना ना पड़े, आई होप कि हमें ना जाना पड़े, और देखते हैं क्या सीन है। A Magical Journey Through Space by Len L. Cassio. Pixel Pig by D. Young. मीटर्स के ऊपर नहीं, 900 फीट कितना होगा ये पता नहीं, बट ऐसा Thank you.
अभी हम पॉज करते हैं रूम में जाके, थोड़ा फ्रेश होके फिर बात करते हैं। ये है भवन। मम्मा आपको भवन दिख रहा है सामने? उधर देखो है, वही जाएंगे ना कल। ऊपर आए हैं देखने के लिए नहीं, एक्चुअली कुछ काम था जो मैंने आपको पहले बताया था। हमारी आरती है तो आरती के लिए कुछ पासिस लेने पड़ते हैं, मैंडेटरी है। दो हमारी टिकट्स बुक थी लेकिन कुछ पासिस लेने हैं, मैंडेटरी है। हर कोई फॉलो करता है वो प्रोसेस, तो कुछ वही करने हम यहाँ ऊपर आए थे। ये भी थोड़ी स्टीप चढ़ाई है काफ़ी, तो सुबह की आरती है MH1 श्रद्धा पे जो होती है, उसके लिए ये होता है। सुबह मतलब 4 बजे में उठना पड़ेगा और सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आएंगे। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, हर बार हम आरती में पार्ट लेते हैं ऐसा है। हाँ फ्रेंड्स, हम जो कह रहे थे कि प्रसाद लेने जाएंगे वो आरती के लिए, वही सब ये रहे। अभी हम सुबह आरती अटेंड करेंगे और ये है पीछे भवन, कितना अच्छा लग रहा है रात को देखिए। अभी हम निकलते हैं नीचे, मम्मा वेट कर रही है। पापा ये रहे, हेलो। अभी हम नीचे जा रहे हैं। हेलो, जय माता दी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। शीशा कम, कैमरा कम, शीशा। हाँ यस यस। अब सुबह नहा धोके 4 बजे उठ के अभी हम, आज मैं बता रहा था 10 किलोमीटर। ओ मत करने में, आप सब भूल गया। 10 किलोमीटर चलने के बाद मैं कैसे सोने वाला हूँ बताओ होगा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रात को लास्ट वीडियो आपसे रिकॉर्ड करी थी जब मैं लिखने था वो आरती के लिए टिकट ले रहा था, और आज अभी मैं टिकट नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, अभी मैं आरती के लिए ही जा रहे हैं हम लोग। और आज सुबह 4 बजे हम लोग उठे हैं और अभी कुछ 5:12 हो रहे हैं और अभी हमें फटाफट निकलना है। मम्मा तैयार हो रही है, पापा तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ। और ट्राई किया मैंने लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि फ़ोन्स वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इसी तरीके से तो मैंने सोचा पहले आपसे बात कर ले। आप चाहे तो MH1 श्रद्धा पर देख सकते हैं वो लाइव टेलीकास्ट जो आज सुबह जो अभी होने वाला है। तो हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि आरती हमने ले ली है सुबह सुबह मॉर्निंग दर्शन, और बहुत मज़ा आया आरती में। और सुबह सुबह लाइव टेलीकास्ट था MH1 श्रद्धा पर, और चाहे तो आप देख सकते हो ऑनलाइन या फिर इस चैनल पर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छे ऐसे हमने दर्शन भी किए। हाय फ्रेंड्स, अब मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं रूम शिफ्ट करूंगा, अभी कुछ ही देर में मैं जाऊंगा भैरव की तरफ और ट्रॉली से जाएंगे अपन, रोपवे से जाएंगे हम।
पापा कहाँ पे आए हो आप? भैरव बाबा के दर्शन करने आए हैं, माँ के दर्शन के बाद। वाह अम्मा, भैरव बाबा की। कहाँ पे आए हो आप? भैरव बाबा। अम्मा कहाँ आए हो आप? भैरव बाबा के दर्शन करने। अरे वाह, भैरव बाबा भी सारी मुराद पूरी करेंगे। इतने ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे धूप की वजह से। अब थोड़ा यहाँ पर सही लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं दोस्तों। और दोबारा थोड़ा धूप के ऑपोजिट से जाकर देखते हैं। फ्रेंड्स जाते समय मैं आपको रोप वे का सही रूप नहीं दिखा पाया था, अब आते हुए रोप भैरव से आते हुए रोप वे का रास्ता रोप वे में लकीली थोड़ा खाली था, तो कंपैरेटिवली मैंने आपके लिए पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। हाय फ्रेंड्स, अभी हम जैसे मैंने आपको कहा था अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, और लाइन मैंने ये देखिए ये है वो लाइन, ये सीधा भवन तक जा रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप सबको कल रात को बताया था कि हम रोप वे से दर्शन करने गए थे, फिर उसके बाद हमने डिनर किया थोड़ा, उसके बाद स्नैक्स खाए, फिर डिनर किया, फिर आ गए अपने रूम पर वापस। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए हर एक मोमेंट पर कैप्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। ऊपर से यहाँ बंदर इतने ज़्यादा हैं, कभी इंस्टेंसेस में फ़ोन भी छीन लेते हैं, तो इसलिए मैं कुछ पार्ट में आपके लिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो आज 15 तारीख है और आज की ट्रेन है हमारी वापस दिल्ली की, आज रात की ट्रेन है दिल्ली की। तो अभी हम रूम में हैं, अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर भवन पर जाएंगे दोबारा, तो कोशिश करेंगे कुछ काम है वहाँ भवन पर तो वहाँ जाएंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे, और फिर हमारी बैटरी कार है वापस। इस बार लकीली मैंने भी अपनी बैटरी कार करा ली थी, अभी नहीं कराई, 2 महीने पहले जनवरी में ही अपनी बैटरी कार करा ली थी, तो तीनों की बैटरी कार है इस बार। तो हम जाएंगे नीचे वहाँ तक बैटरी कार में, फिर बैटरी कार से नीचे जाएंगे या तो घोड़े पे या पैदल या जैसे भी, देखते हैं जो भी सीन होता है वो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए अभी मैं चलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने, और एक्सरसाइज तो यहाँ हो ही जाती है रोज़। हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था बैटरी कार से हम जाएंगे नीचे तक, और बैटरी कार से हम तीनों नीचे आने के बाद भी 3-4 किलोमीटर चलने के बाद नीचे यहाँ आ चुके हैं,
और वहाँ से हमने ऑटो किया और हम यहाँ रेलवे स्टेशन पहुँच गए। तो ऐसा था हमारा कुछ सफ़र, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा थकावट से भरा हुआ। अभी मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, बट स्टिल आई विल शो यू। अब हम जा रहे हैं दिल्ली, माँ का आशीर्वाद लेके। कैसा था आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोना है साली माता, सबको ऐसे ही शक्ति दे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।